अलवर के वैशाली नगर में एक हेड कांस्टेबल की सड़क पर मिली लाश मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मी की हत्या कर दो दिनों तक उसे गोदाम में छुपाए रखा, फिर अल सुबह अंधेरे में सड़क पर पटक गए थे। दोस्तों ने पहले उसे शराब पिलाई, फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया है। 11 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे पुलिस को अंबेडकर नगर में वीरा गार्डन के पीछे वैशाली नगर में सड़क पर एक लाश पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद एसपी तेजस्वनी गौतम, एएसपी शिवलाल बैरवा, सीओ सिटी विकास सांगवान सहित जाप्ता मौके पर पहुंचा और वहां पर एफएसएल टीम व डॉग स्क्वायड टीमों ने साक्ष्य जुटाए। एसपी ने विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मृतक की पहचान लक्ष्मणगढ़ थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजपाल सिंह के रूप में हुई। मृतक 6 तारीख से छुट्टी पर आया हुआ था। एसपी ने बताया कि मृतक की कॉल डिटेल्स के आधार पर वह उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। आखिर मृतक राजपाल के दो दोस्त भरत और रवि को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने राजपाल की गला दबाकर हत्या किया जाना स्वीकार किया। भरत एनएबी क्षेत्र में पुलिया के नीचे शटरिंग का काम करता है और रवि लोडिंग टेम्पो चलाता है। इन्होंने पहले शराब पी, फिर किसी बात पर राजपाल से झगड़ा हुआ, इसके बाद इन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद 11 तारीख को सुबह जल्दी ही उसे लोडिंग टेम्पो में लाश को ले जाकर अंबेडकर नगर क्षेत्र में पटक आए थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी में भी टेम्पो की लोकेशन ट्रेस की, जो सही पाई गई थी। देखिए 9 तारीख को सुबह तकरीबन 7:30 बजे आसपास कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक लक्ष्मणगढ़ में पदस्थापित हेड कांस्टेबल राजपाल का जो शव है वो वहाँ पे अंबेडकर नगर रोड पे बीरा गार्डन के पीछे मिला था, जिस पर तुरंत मौके पर लोकल पुलिस, थाना पुलिस के साथ साथ उच्च अधिकारी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ नॉर्थ विकास सांगवान और मैं पहुँचे थे। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी बुलाकर उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पूर्ण कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में अनुसंधान जारी रखते हुए राजपाल के जितने भी साथी थे, जो जिनके साथ वो अक्सर उठता बैठता था और अपना समय बिताता था, उनसे पूछताछ की। दो लोगों को इस केस में हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक भरत लाल है और एक रवि है। भरत लाल एनईबी क्षेत्र में ही एनईबी पुलिया के नीचे एक शटरिंग की दुकान करता था, जिसमें लोडिंग व्हीकल का ड्राइवर रवि था। इन दोनों ने दारू पीकर इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें इन्होंने गला दबाकर हत्या की है। जिस पिकअप में ये लोग अपने गोदाम से लेकर उसको ये अंबेडकर नगर मौका वारदात जहाँ पे मिली है हमें लाश, वहाँ तक छोड़कर आए हैं, वो पिकअप भी हमने इनसे बरामद की है। और साथ ही सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर की जो रूट चार्ट है वो भी इस चीज़ को, इस तथ्य को प्रूव करते हैं कि इन लोगों ने, इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करके उसकी बॉडी को अंबेडकर नगर बीरा गार्डन के पीछे सुबेरे